If you like my videos, please click on the subscribe button and hit the bell icon so that you can get the latest updates. Okay guys, so आज हम क्या करने वाले हैं, हम लगाने वाले हैं इस फ़ोन पे जो हमने लास्ट वीडियो में हमने दिखाया था गैलेक्सी M31S। इस फ़ोन पे आज हम एक स्क्रीन प्रोटेक्टर फ्रंट एंड बैक लगाएंगे और एक इसका बैक कवर है जो मैंने ऑर्डर किया है, जो मैं आपको दिखाऊंगा। सो ये वाला मैंने प्रोटेक्शन के लिए लिया है स्क्रैच गार्ड फ्रंट एंड बैक, और ये वाला जो है वो मैंने कवर लिया है। ये अमेज़ॉन चॉइस है, सोलिमो ब्रांड है, अमेज़ॉन का ही ब्रांड है। 499 का कवर है बट 199 में अमेज़ॉन पे मिल रहा है। सो हम इसे फ़िलहाल साइड में रख देते हैं, बाद में देखेंगे। हम पहले इसे देखते हैं कि इसमें हमें क्या मिलता है। ये वाला जो है ये इम्पॉसिबल प्रोटेक्शन फर्स्ट मार्ट का है। ये वाला जो प्राइस है इसका, आई नॉट श्योर मैंने कितना पे किया, आई थिंक 299 समथिंग पे किया। यहाँ पे MRP 799 दिखाता है। सो चलिए इसे ओपन करते हैं। सो हमें इसमें ये दो कवर मिलते हैं, जो एक फ्रंट के लिए है हमारा और एक बैक के लिए है प्रोटेक्शन। और ये उसके वाइप्स है, वेट वाइप्स एंड ड्राई वाइप्स। और यहाँ पे हमारे पास उसे कैसे अप्लाई करना है उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर दिया है। सो चलिए ट्राई करते हैं हम इसे अप्लाई करने का। सो मैं इसे फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, सो लेट्स सी कैसे होता है। तो हमें पहले वेट वाइप से पोंछना है उसे फ़ोन को, और फिर ड्राई वाइप से। तो चलिए पहले हम बैक पे कवर लगाएंगे, बिकॉज मैं श्योर नहीं हूँ कि फ्रंट पे लगेगा अच्छे से या नहीं, बिकॉज मैं फर्स्ट टाइम लगा रहा हूँ। सो हम पहले स्टिकर को निकाल लेते हैं, जैसे हम लगा देते हैं यहाँ पर बॉक्स पे, ठीक है। सो चलिए हम पहले इसे वाइप कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा छोटा वाइप है, आप चाहे तो आप माइक्रोफाइबर क्लॉथ का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल हो तो। अच्छे से वाइप कर दीजिए ताकि इसके ऊपर जो फिंगरप्रिंट्स हो या कोई कचरा लगा हो तो निकल जाए। फिर हम ड्राई वाइप यूज़ कर लेते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं हमें इसे लगाना कैसे, क्या कहता है ये। स्टेप वन, रिमूव फिल्म नंबर वन। सो हम पहले बैक से लगाते हैं। सो ये हमारा फिल्म नंबर वन है और ये फिल्म नंबर टू है। सो हम पहले इसे निकाल लेते हैं। ठीक है, इसे हम साइड में रख देते हैं। फिर ये बोलते हैं अप्लाई इट ऑन द डिस्प्ले, डोंट वरी अबाउट द बबल्स। तो हम इसे लगाने का ट्राई करते हैं। यहाँ पे हमें इसे अलाइनमेंट अच्छे से करना पड़ेगा, वरना वो लगेगा नहीं अच्छे से। यहाँ पे ये लग चुका है, हमें दिख रहे काफ़ी सारे बबल्स, लेकिन उसे निकालने के लिए हमारे पास एक कार्ड की ज़रूरत है, एक डेबिट कार्ड जो हम यूज़ करके इसे निकाल सकते हैं। तो मैं लेके आता हूँ। सो मेरे पास यहाँ पे एक जनरल कोई कार्ड पड़ा है। सो हम इसे पहले यहाँ से ट्राई करते हैं बबल निकालने की। ओके, उसके बाद ये बोलता है पिक इट अप हाफ, यू विल सी द कटिंग एंड यूज़ अ कार्ड टू अप्लाई इट, रिमूविंग द एक्स्ट्रा लेयर।
डू दिस ऑन बोथ द साइड्स वन बाय वन, ऑल्सो यूज़ योर फिंगर टू पेस्ट इट ऑन द कर्व. वंस डन रिमूव द अपर लेयर एंड योर ईजी गार्ड इज अप्लाई. ठीक है, तो हम पहले इसे यहाँ से उठाते हैं और यहाँ पे बीच में एक कटिंग है, ये देखिए ये जो सेकेंड लेयर है इसे हम थोड़ा निकाल के इसे नीचे रख के फिर हम उसे कार्ड से अच्छे से प्रेस कर सकते हैं. एक तो बबल्स रहेंगे छोटे मोटे जो आप इसे साइड में करके निकाल सकते हो. यहाँ ओके, सो हमने दोनों तरफ से ब्लू प्लास्टिक फिल्म निकाल दी और बीच वाले लेयर्स निकाल दिए, तो कुछ ऐसा हमारे पास दिख रहा है फाइनल बैक कवर लगाने के बाद. ये फिंगरप्रिंट प्रूफ तो नहीं है क्योंकि फिंगरप्रिंट तो पड़ रही है, बट ठीक है. अब हम इसे फ्रंट पे लगाते हैं. सो इससे पहले हम वाइप कर लेते हैं. ठीक है, अब हम लगाते हैं इस पे फ्रंट कवर जो यहाँ पे. इसमें भी सेम सीन है, पहले हमें पढ़ लेते हैं. फर्स्ट नंबर का फिल्म निकालना है विच इज़ दिस वन. इसमें भी बीच में कुछ है. ठीक है, सो हम पहले इसे निकालते हैं. तो चलिए हम पहले इस साइड का फिल्म निकाल लेते हैं नंबर वन, और फिर हम इसे अलाइन करके फ़ोन पे लगाते हैं. अब इस साइड वाले कवर में प्रोटेक्टिव स्क्रीन में मुझे एक बीच में कटिंग दिख नहीं रही है जो आइडली बैक साइड वाले में है. तो अब बिना कटिंग के इसे लगाना देखते हैं कैसे लगता है, बिकॉज़ यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं ऐसी कटिंग थी फ्रंट साइड में, ऐसी कोई कटिंग बैक साइड में दिख नहीं रही है. बट फिर भी ट्राई करते हैं इसे लगाने का, देखते हैं कैसे लगता है. ठीक है, तो इसे अलाइन करते हैं पहले कैमरा साइड से, स्लोली उसे फोन पे ड्रॉप करते हैं. कार्ड की मदद से हम उसे थोड़ा सा प्रेस करके आगे आगे ले जाएंगे ताकि वो अच्छी तरह से लग जाए. तक तो अच्छा लग रहा है लेकिन थोड़ा अलाइनमेंट आई थिंक प्रॉपर नहीं है. ट्राई करता हूँ लगाने का. कुछ बबल्स भी आ रहे हैं बीच में, उसे ट्राई करता हूँ निकालने का वापस उठा के. जो वो जो बैक साइड का था जहाँ पे बीच में कटिंग था वो बहुत अच्छा था, बिकॉज़ वो अगर कोई डस्ट रह जाती है स्क्रीन पे तो वो पहले उसमें कैप्चर हो जाती है और फिर जब आप सेंटर से निकालते हैं उसे तो वो अच्छे से बिना कोई डस्ट के लग जाती है. बट यहाँ पे डस्ट कैप्चर नहीं हो रही है. अब अगर वो स्क्रीन गार्ड पे चिपक चुकी है तो मैं उसे निकाल नहीं पाऊँगा. सो देखते किस तरीके से लगता है ये. अलाइनमेंट तो आई थिंक अभी बराबर है, सो जस्ट प्रेस करके लगाने की ट्राई करते हैं. देखिए यहाँ पे दिख रहा है बीच में एक दो बबल्स है, जो डस्ट है वहाँ पे ये जा नहीं रहे. ट्राई करता उसे साइड से अगर वो निकल सके तो. लगाना काफ़ी आसान है लेकिन अगर वो सेंटर में कटिंग होता तो बहुत अच्छा हो जाता. ये बबल्स नहीं निकल रहे, आई थिंक मुझे ऐसे ही चलाना पड़ेगा. प्रोबेबली एक नया ऑर्डर कर लूँगा और फिर से उसे क्लीन करके लगाऊंगा, क्योंकि आई थिंक क्लीन हुआ नहीं अच्छे से, कहीं कहीं डस्ट रह गई, एक दो बबल्स दिख रहे हैं. ठीक है, इसे निकालते हैं पहले देखते कैसा
दिखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, बट अगर डस्ट नहीं होती तो वो और अच्छे से बैठ गया होता। मैं यहाँ से देखे साइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट फिर भी वो अटका हुआ है और वो निकल नहीं रहा है। इनफैक्ट स्क्रीन का रॉड ऊपर हो रहा है। ठीक है, लग गया है, अभी देखते हैं। तो ये जो कवर है मैंने ऑर्डर किया है, ये बैक कवर है, सोलिमो ब्रांड का ही है ये भी, तो इसे लगा के देखते हैं। बाकी फिंगरप्रिंट्स तो हमें दिख रहे हैं, तो इट इज़ नॉट फिंगरप्रिंट प्रूफ, बट ठीक है, कवर ओपन करते हैं, देखते हैं एटलीस्ट कवर की फिटिंग कैसी है। ये सेम कवर मैंने ऑलरेडी, सेम ब्रांड का कवर मैंने ऑलरेडी यूज़ किया है मेरे पुराने फ़ोन पे, विच इज़ 1+5। तो उस फ़ोन पे तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये कवर, क्योंकि काफ़ी हद तक सपोर्ट करता है फ़ोन को, और इधर उधर अगर फ़ोन गिर भी जाता है तो वो इतना डैमेज होता नहीं है, इनफैक्ट बिल्कुल भी डैमेज नहीं होता, बिकॉज़ उसका सारे साइड से वो कवर्ड है, और बिकॉज़ रबर है तो वो इम्पैक्ट ले लेता है। सारे कटिंग्स भी अच्छी तरह से है, फिंगरप्रिंट सेंसर के लिए कटिंग, कैमरे के लिए कटिंग, वॉल्यूम रॉकर्स के लिए कटिंग नहीं है, बट सेकेंडरी माइक, फ्रंट प्राइमरी माइक, स्पीकर्स, चार्जिंग पोर्ट, सबके लिए कटिंग अच्छे से है। तो ये लग रहा है अच्छे से फ़ोन पे, स्नग फिट है। थोड़ा सा यहाँ से उभार उभार है, जहाँ से वो अगर फ़ोन गिर भी जाता है तो वो कैमरे को डैमेज नहीं करेगा। छोटा सा एक लिप दिया, आई थिंक 1.2 mm का है, और सेम फ्रंट साइड में भी है, सो फ्रंट साइड में भी अगर गिरता है फ़ोन तो थोड़ा सा सेफ़ रहेगा, स्क्रीन पे डायरेक्टली नहीं गिरेगा। तो अच्छा लग रहा है फ़ोन, सब बटन्स अच्छे से काम कर रहे हैं, फिंगरप्रिंट सेंसर काम कर रहा है अच्छे से, वॉल्यूम रॉकर्स अच्छे से काम कर रहे हैं, ओपन हो रहा है अच्छे से। ठीक है, अब देखते हैं, एक आधा वीडियो प्ले करके देखते हैं। सो वीडियो का डिस्प्ले तो काफ़ी अच्छा है, ये प्रीवियस वीडियो में मिस हो गया था, सो मैं इस वीडियो में डाल रहा हूँ। इसका डिस्प्ले का क्वालिटी, जो कलर्स एंड ऑल है, बहुत अच्छे है। आप पिन जूम करके वीडियो को बड़ा कर सकते हो, कैमरा जो है उसमें का कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता, बस एक छोटा सा ब्लैक दिखता है, दैट्स ओके, बॉदर नहीं करता इतना, बट बिकॉज इसमें साउंड नहीं था तो ये वाला वीडियो प्ले करता जिसमें साउंड है। तो डिस्प्ले इज़ वेरी नाइस, ऑडियो इज़ ऑल्सो नॉट बैड, आई वुड से इट्स प्रिटी डिसेंट। All right, so that's it, guys. That was the cover and the screen protector for M31S. So, guys, I hope आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर लगा हो तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन दबा दीजिए, सो आपको सारे नए लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट्स मिल जाएंगे। देखने के लिए शुक्रिया।